तो गाइस, काफी लोगों की रिक्वेस्ट करने के बाद मैं आ चुका हूँ फिर से चूचू चार्ल्स के मिथ बस्टर के पार्ट 3 लेके। भाई यार, मतलब नाक में दम करके रख दिया था लोगों ने कि पार्ट 3 बनाओ, पार्ट 3 बनाओ। तो यार आज हम पार्ट 3 बना रहे हैं। तो आज का पहला मिथ जो है वो ये है, हम चूचू चार्ल्स को नहीं मार सकते अगर वो ब्रिज पे नहीं ले गए। बाई चांस चार्ल्स की हेल्थ खत्म हो गई तो भी ब्रिज पे नहीं ले गए तो चार्ल्स की हेल्थ इनफाइनाइट रहेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि चार्ल्स की अगर हेल्थ 0 भी हो गई ना, फिर भी नहीं मरने वाला है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले न्यू गेम स्टार्ट करूंगा। यस, तो गाइज मैं ट्रेन में आ चुका हूँ। अब मैं ट्रेन को करने वाला हूँ फुल्ली अपग्रेड। अभी ये हो चुके हैं फुल्ली अपग्रेड, ठीक है। अब मुझे थोड़ी सी गन चलानी और कुछ नहीं। अब आएगा चूचू चार्ल्स, जो कि हमारी ट्रेन इनफाइनाइट हेल्थ हो चुकी है तो वो हमें नहीं मार पाएगा। तो वो जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो जाता तभी है जब यूजिन मरता है। अब यूजिन मरेगा ही नहीं तो वो जाएगा ही नहीं। आजा, ऊपर से इसकी स्पीड इतनी कम है, अब देखना। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो चूचू चार्ल्स की हेल्थ बिल्कुल 0 हो चुकी है और ये गोली पे गोली खाया जा रहा है, मर भी नहीं रहा है। साले, इनफाइनाइट हेल्थ है इसकी। बताओ, ये मरेगा तो सिर्फ माइंस से ही मरेगा, जो ब्रिज पे माइंस लगी रहती है ना उससे ही मरता है। तो हाँ यार, मिथ कंफर्म होता है चार्ल्स की जो है वो इनफाइनाइट हेल्थ है। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट मिथ ये है कि हम बिना अंडों के भी चार्ल्स को समन करके उसे मार सकते हैं, मतलब फाइनल फाइट बिना अंडों के। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मैप के इस जगह पे जहाँ पे माइंस लगानी रहती है। ये बंदा अपने को टेंपल की चाबी देता है, तो चलिए इसके इसके पास चलते हैं अपन। ओके ओके ओके, अभी मैं जल्दी से माइन लगा देता हूँ, फिर चलते हैं हम टेंपल। ओके, चाबी मिल चुकी है मुझे। अब मैं फटाफट से जाता हूँ टेम्पल और वहाँ पे समन करके देखता हूँ कि चार्ल्स समन होता है या नहीं। ट्राई करते हैं, चलो लेट्स गो। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ टेम्पल पे अंडे रखने के लिए। मतलब अंडे तो है नहीं मेरे पास, मेरे पास बस टेम्पल की चाबी है। अब देखते हैं कि हम बिना अंडों के चार्ल्स को समन कर सकते हैं क्या। ये सिटी वाले भैया कहाँ हैं? ये रहे। नहीं हो रहा है। बिना अंडो के हम चार्ल्स को समन नहीं कर सकते भाई, मिथ बस्टेड भाई। बिना अंडो के चार्ल्स को समन नहीं कर सकते। तो गाइस, नेक्स्ट मिथ ये है कि हम चार्ल्स का बैकवर्ड डोर, यानी कि जो पीछे का डोर होता है, चार्ल्स के पीछे का आपने डोर देखा होगा, वो अपन ओपन नहीं कर सकते। तो यार, इसे ट्राई करने के लिए मुझे सुपर पावर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भैया चार्ल्स तो बहुत तेज भागता है। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ फिर से चार्ल्स को ढूंढने के लिए। और ये है कहाँ, मुझे ये बताओ पहले। मुझे पूरे मैप में चार्ल्स नहीं दिख रहा है, वो शायद उस वाली पहाड़ी पे होगा। चलो ऐसे चल के ढूंढते हैं, शायद वहीं पर ही है। हाँ, वहीं पर ही है शायद। लेट्स गो। क्या बात है, कहाँ चला गई ये रहा। ये देखो गाइज, ये रहा चार्ल्स का बैकवर्ड डोर। अब मैं इसे जैसे ही ओपन करने जाऊंगा, चार्ल्स मेरी तरफ भागेगा। यकीन नहीं होता तो मैं फिर से ट्राई करके दिखा देता हूँ। अरे नहीं, जंप नहीं मारना था रे, इससे दिखना नहीं है ना, इसके पीछे रहना है अपने को। ओके, फिर से दिख गया। हेलो, वो रहा। अरे यार, मैंने जंप की हाइट कुछ ज्यादा ही तेज कर दी है यार।
कुछ ज्यादा ही कर दिया मैंने जंप की हाइट। इसे क्यों नहीं मार रहा ये तो गलत बात है भाई। कहाँ गया? अरे कहाँ चला जाता है भैया? ये रहा। नहीं खुलता भैया, नहीं खुलता, इसके पीछे का दरवाजा नहीं खुलता। तो गाइज हम इसके पीछे का दरवाजा नहीं खोल सकते जैसा कि आपने देखा। तो हाँ यार, मिथ कंफर्म होता है। तो गाइज नेक्स्ट मिथ ये है कि हमारी ट्रेन जो है वो 0% हेल्थ पे भी काम करती है। तो यार चलो अपनी 0% हेल्थ करवाई जाए, लेट्स गो। ये रहा चार्ल्स, बच, मारता रहे भैया ट्रेन को, मारता रहे। कहाँ गया? ओके ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ मार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन की हेल्थ जो है वो पूरी तरीके से कम हो चुकी है, फिर भी ट्रेन जो है वो चल रही है। और ये इसने मार दिया, बहुत ही बढ़िया भाई। तो हाँ यार, ट्रेन 0% हेल्थ पे वर्क करती है। तो हाँ मिथ कंफर्म। तो गाइस उसके साथ एक और मिथ कंफर्म होता है कि चूचू चाल्स हमें ट्रेन के अंदर नहीं मार सकता। भैया मिथ कंफर्म नहीं, मिथ बस्टेड होता है, ठीक है? ये मिथ होता है बस्टेड, क्योंकि आपने जैसा कि देखा चूचू चाल्स ने अपने को ट्रेन के अंदर भी मार दिया। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुझे पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन यार क्या ही कर सकते हैं, मिथ मिल भी नहीं रहे हैं। गेम की सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें गेम की अपन ने एक्सप्लोर कर ली है। तो यार देखते हैं, कोई नई चीज़ ढूंढते हैं गेम के बारे में। तब तक के लिए सायोनारा।